तो गाइस मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रसल भी। तो भाई पहले तो अपडेट्स आ रही थी कि रोमन रेंक्स नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद एक ब्रेक पर जाने वाले हैं, फिर रिपोर्ट आई कि वो समर स्लैम के बाद एक ब्रेक पर जाएंगे। लेकिन भाई अब जो रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि कोडी रोड्स भी नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद एक ब्रेक पर जाने वाले हैं। हाँ भाई, हमने जो कल के रो के एपिसोड में थिंग्स देखी, मैंने कहा था इसके बारे में कोई भी पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो भाई अपडेट्स आ चुके हैं, WWE ने इस तरह से क्यों किया, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम आज की वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सारे लोग जो भी चैनल पर नए हो तो भाई अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई कोडी रोड्स के साथ WWE ने इस तरह से क्यों किया। भाई WWE चाहती है कोडी रोड्स को टेलीविजन से मिस्ड आउट करना। हाँ, यानी कि नाइट ऑफ चैंपियंस में जो हम लोग को कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिलेगा, उस मैच में भाई हमको क्या कहते हैं कुछ ऐसी ब्रूटैलिटी दिखाएंगे या भाई ब्रॉक लेसनर उस मैच में कोडी रोड्स को इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देंगे कि कोडी रोड्स को टेलीविजन से मिस्ड आउट होना पड़ेगा। मे बी अगर वो इंजर्ड ना करे तो हमको सिचुएशन इस तरह की देखने को मिल सकती है कि कोडी रोड्स का हार्ट टूट चुका है। हाँ भाई, हमने रॉक एपिसोड में जो देखा था वहाँ पर से हमको थिंग्स ऐसी देखने को लग रही है। एंड भाई अब WWE चाह रही है कि कोडी रोड्स उसको इस तरह से सेल करे कि वो इंजर्ड हो चुके हैं कल का जो रॉक एपिसोड हुआ था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने उन पर बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से अटैक किया था एंड अब कोडी रोड्स का हार्ट टूट चुका है। और भाई WWE यह प्लानिंग कर रही है सेम एज वेल एज सेथ रॉलिंस की तरह, जैसे हमने सेथ रॉलिंस के साथ देखा था कि सेथ रॉलिंस को भी ब्रॉक लेसनर ने इंजर्ड किया था, करीबन 2 महीने के लिए सेथ रॉलिंस टेलीविजन से ऑफ हो गए थे। एंड यहाँ पर WWE का भी प्लान यही है कि कोडी रोड्स नाइट ऑफ चैंपियंस के मैच के बाद WWE से ऑफ ले लेंगे। एंड करीबन ये ऑफ कितने टाइम को होने वाला है, तो ये करीबन भाई 8 हफ्तों का होने वाला है। हाँ, जो रिपोर्ट्स आ रही है वो रिपोर्ट्स आ रही है कि कोडी रोड्स करीबन 8 हफ्तों के लिए रॉ के एपिसोड्स को मिस करेंगे, जो कि होता है 2 महीने बाद। एंड भाई यहाँ पर से WWE एक चीज़ और प्लान करे कि जब कोडी रोड्स 2 महीने बाद अपना रिटर्न करेंगे तो उनको टेलीविजन पर फैंस की तरफ से बहुत ही ज़्यादा तगड़ा पॉपअप मिलेगा। एंड ये रिटर्न कब होगा, ये रिटर्न होगा अगस्त के पास, मे बी समर स्लैम में हमको इनका रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है, आप लोग का इस चीज़ के ऊपर क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट में बताओ। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।